हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज हम जो बात करेंगे वो फिनाइल फ्रीन हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरफेनामाइन मेलिएट सिरप के बारे में। इसमें बहुत एक फेमस सिरप है मैक्स्ट्रा सिरप, जिसको आप देख सकते हैं। इसी सिरप के बारे में हम बात करेंगे कि इसमें जो फिनाइल फ्रीन हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरफेनामाइन मेलिएट है, इसका काम क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, कितना देना है, क्या बच्चों में ये सेफ दवा है, इसका क्या नुकसान हो सकता है, क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। आप एक चीज़ जान लो कि बच्चों में अगर आप गलत डोज में दवा दोगे, गलत तरीके से दवा दोगे, तो उनका शरीर जो है, उनका बदन बहुत मजबूत होता है, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर सकता है। बड़ों से ज़्यादा बच्चों का शरीर, बच्चों का बदन मजबूत होता है दवा के मामले में, बर्दाश्त करने के मामले में। लेकिन लॉन्ग टर्म में जैसे बच्चे बड़े होंगे, वैसे उनका नुकसान धीरे धीरे सामने आता जाएगा। तो कोई भी दवा, कोई भी सिरप, कोई भी गोली बच्चों को देने से पहले बच्चों के डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, और जब वो आपको दवा दे दे उसके बाद भी बहुत ही एहतियात से, बहुत ही केयरफुली, बहुत ही समझ बूझ के दवा का इस्तेमाल करें। क्योंकि अक्सर जो होता है, जो दवा लिखी जाती है, जो डोज लिखा रहता है, वो ऐसे दवा अंदर रहती है, इस पर आपको डोज 2 ml 3 ml लिख के दे दिया जाएगा, उसके बाद 3-4 सिरप रहेगा, आप घर पर आके इधर उधर कर दोगे, फिर कन्फ्यूज हो जाओगे कि कौन सी दवा एक बार थी, कौन सी दवा 3 बार थी, कौन सी दवा 4 बार थी। तो इसलिए इस चैनल के माध्यम से अगर आपके पास दवा है तो आप बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होंगे। अगर आपके डॉक्टर ने दिया है तो आप ये जानोगे कि हमें कब इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है, बिल्कुल सही तरीके से। सबसे पहले आप ये जान लो कि जो भी फिनामाइन एंड क्लोरफेनामाइन मेलिएट एंड फिनाइलफेनाइल हाइड्रोक्लोराइड का जो भी सिरप है वो काम क्या करता है, उसके बाद इसका बेस्ट टाइम क्या होता है, किस टाइम आपको देना है, क्या इसका नुकसान हो सकता है, ये कैसे काम करता है, इसी तरीके से इसका डोज क्या होता है, इन 4-5 चीज़ों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बच्चों में क्या ये सेफ है। तो बिल्कुल बच्चों में सेफ है, बच्चों के लिए ही बना है। ये काम कैसे करता है, ये एंटी एलर्जिक है। क्लोरफेनामाइन मेलिएट एंड फिनाइलफेनाइल हाइड्रोक्लोराइड ये एंटी एलर्जिक है। बच्चों में अगर नाक जाम है, बच्चों की नाक बह रही है, बच्चों को सर्दी है, बच्चों को थोड़ा बहुत खांसी है, खांसी के लिए अगर बहुत ज़्यादा खांसी है तो उसमें यह काम बहुत अच्छा नहीं करेगा, क्योंकि उसमें डेक्सट्रोमेथारफन के साथ इसका कॉम्बिनेशन आता है, वो DX के नाम से आता है, वो अच्छा काम करता है। लेकिन 2 साल से नीचे बच्चों में उसको बहुत ही केयरफुली दिया जाता है। तो ये सर्दी में, खांसी में, नाक जाम है, ऐसी कंडीशन में बच्चों को हम इस्तेमाल करा सकते हैं, डॉक्टर्स कराते हैं। अब इसका डोज क्या होता है, बेस्ट टाइम क्या है, टाइम में क्या है कि आपको ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर्स 4-4 घंटे पर इसको दिलवा सकते हैं, या 6 घंटे के गैप पर दिलवा सकते हैं, दिन में 3 बार 4 बार 2 बार 1 बार, जैसे ज़रूरत होगी उसी हिसाब से आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे। डोज के मामले में आप ये देख लीजिए कि जो मैक्स्ट्रा सिरप है उसमें फिनाइल फ्रीन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg है, 5 ml में। इसी तरीके से क्लोरफेनामाइन मेलिएट 2 mg है, यानी कि 5 ml अगर आप सिरप देंगे, अगर जो आप ये 10 ml का कैप होता है, अगर इसमें 5 ml आप सिरप देंगे तो 5 mg आपको फिनाइल फ्रीन बच्चे के पेट में जाएगा और 2 mg क्लोरफेनामाइन मेलिएट जाएगा। अब ये डोज इसका क्या है, जैसे अगर कोई बच्चा 12 किलो का है मान लीजिए, तो उसके वजन के हिसाब से बच्चों के डॉक्टर इसका डोज सेट करते हैं। 12 किलो के बच्चे में कभी 4 ml भी दे सकते हैं, 5 ml भी दे सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पे ज़्यादा या उससे कम भी दे सकते हैं। इसी तरीके से कोई बच्चा अगर 8 किलो का है तो उसमें 3 से 4 ml के आसपास दे सकते हैं डॉक्टर्स। ये तरीका होता है दवा देने का, डोज बच्चों का सेट करने का। अब जैसी बीमारी होगी उसी हिसाब से डॉक्टर डोज कम या ज़्यादा करेंगे। अगर आपके डॉक्टर ने सिरप आपको दिया है, आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, तो इस तरीके से घर पे अगर डॉक्टर दूर है तो घर पे आप अपने हिसाब से ये दवा दे सकते हैं, 2 से 3 बार दिन में दे सकते हैं। लेकिन खुद से कभी भी इस दवा को लेकर बच्चे को ना पिलाएं, क्योंकि उससे आपको नुकसान हो सकता है। क्या साइड इफेक्ट है, तो बच्चा थोड़ा सुस्त रह सकता है, थोड़ा उसको नींद आ सकती है, आपको थोड़ा सा सुस्त लगेगा आपको बहुत, तो इसमें परेशानी हो, क्योंकि ये एंटी एलर्जिक है, इसे थोड़ा सा नींद, थोड़ा सुस्ती रहती है। दोस्तों, ये जानकारी मैक्स्ट्रा सिरप या क्लोरफेनामाइन मेलिएट एंड फिनाइलफेनाइल हाइड्रोक्लोराइड के बारे में, अगर आपको जानकारी हमारी पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियोज आपको मिलती रहेगी।